अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं आईटी टेक चैनल। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए एक ऐप लेके आया हूँ, वो ऐप इतनी ज़बरदस्त और मज़े की है कि आप सोच भी नहीं सकते कि हम उस ऐप से इतना ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऐप उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंग्लिश लिख नहीं सकते या उर्दू नहीं लिख सकते या जिनके मोबाइल में उर्दू लिखने का ऑप्शन नहीं है, तो ये ऐप यूज़ करके वो इतना इजीली अपना दोस्तों को चैट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को मैसेज कर सकते हैं या दोस्तों के मैसेज रीड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में कमेंट्स करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ जी बोर्ड। तो दोस्तों, इस ऐप को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। 28 MB की ऐप है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दो मिनट की ज़्यादा 25-30 सेकंड लगेंगे। दोस्तों, हमारी ऐप इंस्टॉल हो रही है। तो इस ऐप में कुछ सेटिंग्स हैं, वो आपको मैं सेटिंग बताता हूँ। तो ऐप डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करते हैं। यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ पे इनेबल सेटिंग, इनेबल सेटिंग में जाते हैं। तो यहाँ से हम जी बोर्ड को एक्टिव कर लेते हैं। सेकंड, यहाँ पे सॉफ्ट की शिफ्ट की बोर्ड है और जी बोर्ड, हम यहाँ से जी बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। थर्ड, अलाउ करते हैं और डन कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह इसका इंटरफेस हमारे सामने नज़र आएगा। तो यहाँ पे हम को और मज़ीद कुछ सेटिंग्स करनी है, तो यहाँ से हम इसका कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी लैंग्वेज उर्दू है, मैं यहाँ से इसी डायरेक्टली उर्दू सर्च करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, उर्दू पाकिस्तान। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं कीबोर्ड हटा देता हूँ क्योंकि मुझे उर्दू टाइपिंग नहीं चाहिए। और नीचे इंग्लिश यूएसए है, तो इसको टिक कर देंगे। और मल्टीपल टाइपिंग है, तो इसको ऑन रहने देंगे। डन करेंगे, ये हमारा कीबोर्ड हो गया। सेकंड, परफॉर्मेंस में जाएंगे, तो परफॉर्मेंस में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ये सेम जिस तरह है ऐसे ही रहने देंगे। नीचे थीम में जाएंगे, तो अगर आपको थीम चाहते हैं डाउनलोड करके यूज़ करना चाहते हैं कीबोर्ड पे, तो हम यहाँ से कोई एक थीम डाउनलोड कर लेते हैं, जो यूज़ कर लेते हैं थीम, ये अप्लाई कर लेते हैं। नीचे जाते हैं टेक्स्ट करेक्शन, तो इसमें हम इसको ऑटो करेक्शन को बंद कर देते हैं, ये भी ओके हो गया। नीचे जाते हैं ग्लाइड टैपिंग, तो इसमें भी प्रॉपर टिक के रहने देते हैं। और वॉइस टैपिंग में दोस्तों, यहाँ पे मेन सेटिंग यहाँ पे है, तो हम यहाँ से जाके उर्दू और इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं। उर्दू कहाँ पे है, ये उर्दू और इंग्लिश दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। तो लो दोस्तों, हमारी सेटिंग कंप्लीट होगी। अब आपको मैं मैसेज करके बताता हूँ हम कोई भी व्हाट्सएप ऐड कैसे काम करता है और आप कैसे रोमन उर्दू में लिख सकते हैं या प्योर उर्दू में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका कीपैड का इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। तो अभी जिस साइड पे ये छोटा सा मैक है, तो इस साइड पे अगर करके हम अगर इस मैक को दबा के अगर बोलेंगे
तो ये उर्दू टाइप करेगा, प्योर उर्दू टाइप करेगा। अगर हम इसको दबा के, अगर मैक को दबा के बोलते हैं तो ये प्योर रोमन उर्दू लिखेगा। मतलब ये कि वो इंग्लिश टाइप में जो उर्दू लिखेगा, जो हम टाइपिंग करते हैं इंग्लिश में, तो ऐसे। दोस्तों अभी मेरे पास तो जस्ट एक ही मोबाइल है, जिसकी वजह से ही मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पा रहा। तो दोस्तों आप भी इसी तरह सेटिंग करके लिख सकते हैं। अगर 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 ये ऐप काम ना करे तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हम मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे अच्छा सा कमेंट्स कर दें। अगर कुछ चीज़ की नहीं समझ आई तो वो कमेंट्स कर दें। अगर कौन सी आप वीडियो देखनी चाहते हैं तो वो बता दें और अपना फीडबैक दें और मेरी इस वीडियो को शेयर कर दें।